हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संपत्ति विवाद में महिला की निर्मम हत्या। सगे देवर ने भाभी भतीजे पर किया जानलेवा हमला, महिला की गड़ासे से गला काट कर की हत्या, भतीजे को गोली मार कर किया घायल। मकान बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद, पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। घायल भतीजे को इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल। मृतका का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे गंज चौकी ओवरब्रिज के नीचे जिप्सन गंज की घटना। शहर के रेलवे गंज क्षेत्र में यह सूचना मिली कि दो लोग घर में घायल हैं और झगड़े की सूचना थी और उनके घायल होने की सूचना थी, तो मौके पर पुलिस यहाँ पहुंची है, सभी अफसर यहाँ पहुंचे। उसमें देखा गया है कि उसमें दो लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उसमें एक महिला और एक पुरुष, और ये जानकारी हुई है कि जो उनको घटना को करने वाला है वो इनका सगा देवर है। इनका आपस में इनकी वसीयत को लेके एक विवाद था, जो आज इनकी यहाँ इस बात को लेके झगड़ा हुआ है, और जिसमें कि जो उनका देवर है उसने अपने सगी भाभी और अपने भतीजे को गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें कि जो उनकी भाभी है उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनका भतीजा है उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के जो अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है और जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। कैसे मारा गया? अभी जो डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद घटना में क्या हथियार यूज हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो भाव देखने से लग रहे हैं वो धारदार हथियार से उसको घायल किया गया है और पोस्टमार्टम बॉडी का कराया जा रहा है, और उसके बाद जो भी इसमें डिटेल्स निकल के आएंगे उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। मृतक की बच्ची का कहना है 100 नंबर को कई बार फोन किया गया लेकिन फोन मिला नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये फैक्ट्स अभी जब डिटेल पता चलेगी तो ही कमेंट।